अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का ए। ओके, ये हमारा सेकंड पार्ट है, पेज नंबर 3। राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स, बयाना सही है या गलत वो लिखना है हमें। तो सबसे पहले जो पहला स्टेटमेंट है वो ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, थर्ड फॉल्स है, और लास्ट वाला फोर्थ जो नंबर है वो भी फॉल्स है। ओके, अब आइए देखते हैं पेज नंबर 4, A2। ओके, कंप्लीट द वेब है एक्शंस ऑफ फैमिली मेंबर्स, जो सीगल है उसके फादर की एक्टिविटी क्या थी, मदर की क्या थी, और एक्शन उसके ब्रदर्स और सिस्टर्स की क्या थी और उसकी क्या थी। ओके, पहले में आएगा हिज फादर प्रिनिंग द फीडर्स, सेकंड हिज मदर वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प, थर्ड His brothers and sister lying on the plateau. He or his scraping his beak. इस तरीके से complete the web के answers हो गए। ये पेज नंबर 4 की एक्टिविटी है A2। अब देखिए A3। मैच द वर्ड्स इन कॉलम A विद their मीनिंग्स इन कॉलम B। यहां पर आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं ए में, बी में उसको मैच करना है उसके मीनिंग के साथ। तो पहले का स्क्रैप का रहेगा सी यानी रब्ड, डजिंग का रहेगा ए यानी स्लीपिंग लाइटली, प्लेटो का रहेगा डी यानी अ लार्ज हाई एरिया ऑफ फ्लैट लैंड, और लास्ट का वेट का रहेगा बी यानी शार्पन। ओके, इस तरीके से मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी के आंसर्स होंगे। यहां पर मैंने लिखा हो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको चेक कर सकते हैं। आइए पेज नंबर 5 पे चलते हैं अब हम। A4, डू एज डायरेक्टेड, यहां पर कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको हमें सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। ओके, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, एड अ क्वेश्चन टैग, इसको क्वेश्चन टैग बनाना है। तो यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है इसलिए क्वेश्चन टैग में डिड आएगा, और इसमें नॉट नहीं है इसलिए हमको नॉट लेना है अपोस्ट्रॉफी के साथ। डिडंट इट, द साइट ऑफ द फूड के लिए हम प्रोनाउन इट का इस्तेमाल करेंगे, आंसर रहेगा डिडंट इट। जिसने भी इस तरीके से सॉल्व किया है उसको मार्क्स मिलना लाजिम है बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन है यहां पर ग्रामेटिकल, ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, और आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है री राइट द सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। कैसे करेंगे, ओनली हिज मदर हैज लुक्ड एट हिम, इस तरीके से इसका आंसर रहेगा। ओके, अब यहां पर बी देखेंगे अब हम, हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा। ओके, सेंटेंस है इज द वर्ड सो पुअर दैट इट कैन नॉट गिव मी अ टॉय एंड अ बुक, ये किसने कहा था, ये चाइल्ड लेबरर ने कहा था, किससे कहा था, कैलाश सत्यार्थी से कहा था जो नरेटर है। ओके, लेट्स मार्च के स्टेटमेंट है यहां पर जो हमारा सबक है 10th के अंदर, लेट्स मार्च। सेकंड है व्हाट इज माय फॉल्ट, सुडानीज चाइल्ड सोल्जर ने कहा था, किससे कहा था, कैलाश सत्यार्थी से कहा था जो नरेटर है। इस तरीके से इसके आंसर रहेगी, किसने किससे कहा था ये उसके जवाब आते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हम पेज नंबर 6। ओके, कंप्लीट द वेब हॉली प्लेसेस फॉर प्रेयर्स, उसके अंदर पहला है प्रेयर हाउसेस, टेम्पल्स, चर्चेस, मॉस्क, इस तरीके से ये मुकद्दस जगह होती हैं इबादत के लिए। ओके, पेज नंबर 7 देखिए, राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में से आपको ढूंढ के निकालना था, मैंने यहां पर उसका आंसर लिखा हुआ, आप इसको चेक कर सकते हैं। वीक के पहले आएगा वन वीक, कुरान से पहले द होली कुरान, वायलेंस से पहले ग्रेटर वायलेंस, और रिलीजन्स से पहले ग्रेट रिलीजन्स, ऐसा आएगा, इस तरीके से बनेगा। ओके, B4 है हमारा पेज नंबर 7 पर, डू एज डायरेक्टेड, यहां पर एक सेंटेंस दिया गया है, ही आस्क्ड मी व्हाट इज माय फॉल्ट, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग, यहां पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपको और उसमें से आपको एक सही चूज करना है। ओके, तो यहां पर जो डी है वो सही रहेगा, ही आस्क्ड मी व्हाट हिज फॉल्ट वॉज, इस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस बनेगा। ओके, अब देखिए इसका जो सेकंड है डू एज डायरेक्टेड का, वो है ही वॉज फोर्स टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली, री राइट द सेंटेंस एंड अंडरलाइन द इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का मतलब होता है ऐसा वर्ब जिसको टू लगा है
उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। यहाँ पर जो टू किल है ये इन्फिनिटिव है हमारा, इस तरीके से इसका आंसर रहेगा। ओके, अब देखते हैं पेज नंबर 8। यहां पर पोएट्री सेक्शन है ये पेज नंबर 8 पर, और यहां पर बोला गया आपको कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो यहां पर पहले में जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके अंदर आएगा हमारा खाली जगह में, पहले सबसे पहले आएगा द पोएट सॉ अ लॉली गर्ल ऑन अ बस। अ बस यहां पर आएगा, पहले का जवाब अ बस है। दूसरे का जवाब है द पोएट स्टॉप्ड टू बाय सम स्वीट्स, सम स्वीट्स आएगा। द पोएट रिक्वेस्ट टू द गॉड, यहां पर टू द गॉड आएगा टू फॉरगिव हिम। उसके बाद में फिर लास्ट वाला आएगा द लॉली गर्ल इन अ बस वॉर अ क्रच, यहां पे अ क्रच आएगा इस तरीके से। अब यहां पर 9 पेज नंबर पे जाते हैं। अब हम यहां पर है कंप्लीट द वेव, पहले में आएगा स्वीट, सेकंड में आएगा सो काम, थर्ड में आएगा ब्लाइंड, और लास्ट आएगा सच चार्म। ओके, अब यहां पर आपको राइट एनी टू पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टांजास, स्टांजा में से राइमिंग वर्ड ढूंढना थे। राइमिंग वर्ड्स किसे कहते हैं इसके ऊपर मेरी एक वीडियो बनी है, आप उसको भी देख सकते हैं। दो पेयर्स को फाइंड आउट किया है स्टांजा में से, हेयर फेयर वाइन माइन, दूसरे भी मजीद उसमें दिए गए हैं, आप उसको भी लिख सकते हैं। अगर आपने इस तरीके से सॉल्व किया है पेपर तो आप इंशाल्लाह पास हो जाएगी। ये हमारा पार्ट सेकंड है, इसका ख्याल रखें आप। ओके, अब देखिए हम पेज नंबर 10 पर जाते हैं। 10 पर हाँ पे यहाँ पे पोयम दी गई है। ओके, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली नाम है इसका। ओके, पेज नंबर 11 देखिए। अब डायरेक्ट हमको एप्रिसिएशन लिखना था इसका, तो सबसे पहले टाइटल में आएगा यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, सेकंड नेम ऑफ द पोएट में पैब्लो नेरोडा, राइम स्कीम इसकी फ्री वर्स पोयम है, इसके अंदर कोई राइम स्कीम नहीं है, आजाद नज़म है। फिगर ऑफ स्पीच में एलिट्रेशन है क्योंकि आपको एनी वन लिखना है, और हर पोयम में 10वीं के टेक्स्ट बुक में एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है। ओके, और थीम और सेंट्रल आइडिया के ऊपर आपको 2 से 3 लाइन लिखना थी, ये 2 मार्क्स के लिए होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है द पोएट वॉन्ट्स टू टेल अस टू डू न्यू वंडरफुल थिंग्स एवरी डे, ही ऑल्सो रिक्वेस्ट टू अवॉइड बैड थिंग्स एंड निगेटिव थाट्स एंड बी पॉजिटिव, वी मस्ट स्पेंड आवर लाइफ इन गुड डीड्स। इस तरीके से एप्रिसिएशन इसका लिखना था, आप हटके भी लिख सकते थे स्टांजा को पढ़ के। ओके, इस तरीके से हमारा ये पार्ट सेकंड है, इंशाल्लाह इसके बाद हम पार्ट थर्ड देखेंगे। जिस तालिब इल्म ने जो मैंने आपको बताया अभी आंसर्स उस तरीके से लिखा होगा तो इंशाल्लाह वो जरूर अच्छे नंबर आज से पास होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वंडरफुल डे।